अस्सलाम वालेकुम। चैनल ज़ायका पे एक बार फिर से आपको वेलकम करते हैं और उम्मीद है कि आप लोगों ने भी रमज़ान की तैयारियां खूब ज़ोरों शोर से घरों में शुरू कर दी होंगी। तो आज आपके साथ शेयर करेंगे हरी चटनी की बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी और आपसे शेयर करेंगे कि आप इसे सेव कैसे रख सकते हैं ज़्यादा दिन तक। तो रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियोज़ मिलें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ पर हमने एक कट्ठी हरा धनिया लिया है, एक कट्ठी पुदीना लिया है, इनको धो के अच्छी तरह से वॉश करके रखा हुआ है, 6 से 7 हरी मिर्चें हमारे पास बारीक वाली हरी मिर्चें यहाँ पे हमने ली हैं और 3 से 4 जवे लहसुन के हैं, 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का डालेंगे और इसके अलावा डालेंगे 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1/4 टीस्पून टाटरी, और टाटरी अगर आप ना डालना चाहें तो आप लीमू का रस भी डाल सकते हैं, 1 लीमू का रस डालेंगे और इसके अलावा जाएगा 2 से 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 कप पानी डालेंगे पैन में, अभी हमने फ्लेम ऑन नहीं की है, और इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर हम फ्लेम ऑन करेंगे और इसे गाढ़ा होने तक पका लेंगे और साथ ही इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा और टाटरी और थोड़ा सा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, ये ज़ीरा और टाटरी और नमक चला जाएगा। ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, ये चटनी आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही बेहतरीन कर देगी रमज़ान में। उसके अलावा आपके जो बैड कोलेस्ट्रॉल बनता है जिस्म में, उसमें भी बहुत हेल्प करेगी। तो ज़रूर इस चटनी को ट्राई कीजिएगा, ये हेल्थ के लिए बहुत ही बेहतरीन है और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। इसे हमने गाढ़ा होने तक पकाना है और चम्मच को हमने मुसलसल चलाते रहना है ताकि गुठलियाँ ना बने, और जैसे ही ये गाढ़ी हो जाएगी हम इसकी फ्लेम ऑफ़ करेंगे, इसे ठंडा करेंगे। उसके बाद ये कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर और तमाम चटनी की अज्जा डाल के मिक्सी जार में पीस लेंगे और ये चटनी हमारी इस तरह से तैयार हो जाएगी, बेहतरीन सी हरी चटनी। आप इसका कलर देख सकते हैं, इसका टेक्सचर देख सकते हैं, इसे आप समोसे के साथ, पकौड़ों के साथ, रोल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इंजॉय कर सकते हैं और तकरीबन 15 से 20 रोज़ बल्कि 1 माह तक भी आपकी ये चटनी सेव रहेगी क्योंकि इसमें हमने टाटरी शामिल की है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फिर किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह।